ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन घंटी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है दिल्ली के शाहीन बाग में। यहां पिछले 50 दिनों से हमारी जो माताएं, जो बहनें हैं, हमारे युवा छात्र छात्राएं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, NRC NPR और CAA को लेकर मुखालफत कर रहे हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द बैन करे। लेकिन सरकार अभी तक भी इनके पास आई है या फिर नहीं आई है, आज हम यहाँ पहुँचे हैं जानकारी लेने के लिए। क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि कोई आए, बात तो करे कम से कम, जी, कुछ हल तो निकले। क्या नाम? मेरा नाम है। क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको खत्म किया जाए, इस कानून को। और दूसरी बात कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी करा सकती है। कब से प्रोटेस्ट में आती है? मेरे को 2 महीने होने को आ गए। 2 महीने से आ रही है? तो अभी क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात सुनेगी या फिर नहीं सुनेगी? सरकार अभी तो फिलहाल तो कोई आए नहीं है। मुझे हमें सुनाई मारा कि आपको डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म किया जाए, इस तरीके से धमकी आप? हाँ जी, हाँ जी, कई बार यहाँ तो फायरिंग भी की है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? अब हम आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है जी। तो फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी ये मांगे, जो CA है, NSR, जो ये है, कानून के विरुद्ध है जी। ये इसको मानना चाहिए। हम अपने हक के लिए बैठे हैं, कानून संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं। कोई इसका पॉलिटिक्स या कोई इसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हमारे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने इसको जो है मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा है, तो ये जो है न्याय गलत है। ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने हक के लिए, हमारी माँ बहन है जो भी हैं, सभी अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के कुछ मौजूदा लोग, जो कि उनका यही संदेश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ जो सरकार है उनसे ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। फिलहाल बहुत ही बड़ी तादाद है। जी बोलो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि CAA, NPR, NRC जल्दी से जल्द हट जाए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें सब रोडों पे हैं, रात रात भर यहाँ पे रहती हैं, और हमारे भाई जो हैं काम करते हैं और डायरेक्ट काम से आके यहीं पे लग जाते हैं, जो यहाँ 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे कम से कम यहाँ वह रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि NRC, CAA, NPR जल्द से जल्द हट जाए। मेरा यही उन लोगों से ये आदेश है कि कोई आए, इस बारे में बातचीत करे। जेल टाइप के कैबिन नजर आ रहा है, इसमें हमें दोस्त एक बुजुर्ग एक नौजवान साथी इसमें अंदर, तो आखिर ये है क्या चीज़ हम जिसमें हमें बाबा साहब का और कई महापुरुषों का इसमें तस्वीर नजर आ रही है? जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शम्स है। ये जो बना रखा क्या है? ये डिटेंशन कैंप है। अच्छा, ये डिटेंशन कैंप है। तो देखा डिटेंशन कैंप, जिन्होंने नहीं देखा इस तरीके से डिटेंशन कैंप यहाँ के शाहीन बाग के लोगों ने बनाया। जी तो आप इसमें अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर मोदी ने डाल दिया हमें, कह रहा कागज नहीं है, घुसपैठी साबित कर दिया। अच्छा, आप दिखा रहे हैं कि अगर कागज साबित नहीं होते इस तरीके से डिटेंशन कैंप पर रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा बिल्कुल, अगर कागज नहीं दिखा पाए, जिसके अपने प्रूफ नहीं दिखा पाए तो। जी जी जी।